हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गोदरेज टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जो एयर कोड आते हैं, तो हमने क्या किया, उसका फिक्स एयर फिक्स सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन बताया अच्छे से कि आप अगर आपके सामने एयर कोड आ रहा है तब आप उसको 2 से 3 मिनट के अंदर फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर एयर कोड का फॉल्ट पता होगा तो आप वहीं पर उस फॉल्ट को ट्रेस करके आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपको अच्छे से एक एक एरर कोड का सॉल्यूशन समझ आ जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जितने भी आपकी डिस्प्ले पे इस समय एरर कोड है, उनका हमने अच्छे से एक फिक्स सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना है। अगर गोदरेज की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में E1 का एरर कोड शो होता है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो टैब होती है उसको देख लेना कि टैब ओपन है या नहीं है। ठीक है, अगर टैब बंद होगी तो वहाँ पे क्या होगा, पानी अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो टैब को आपको ओपन कर लेना। अगर टैब ओपन है, उसके बाद को आपको क्या करना है, जो फिल्टर होता है, ठीक है, जहाँ पे हम पाइप कनेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं पिक में ये फिल्टर है, उन फिल्टरों को देख लेना कि बहुत ज़्यादा डस्टी तो नहीं है। अगर वो डस्टी है तो आप उनको क्लीन कर दें, उसके बाद दोबारा लगा दें तो पानी अच्छे से जाएगा। ठीक, अगर ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपको जो पाइप है पाइप को भी चेक कर लेना कि पाइप कहीं बेंड तो नहीं है। पाइप बेंड होता है तब भी पानी रुक जाता है, वैसे मोस्टली होता नहीं, पाइप इतना हार्ड होता है, मतलब पंच होता नहीं है, मगर फिर भी आप देख लें कि ओल्ड हो जाता है तो वहाँ पे पाइप पुराना हो जाता है या गल वल जाता है, तब ये दिक्कत आती है। ठीक है, पाइप वहाँ से पंच हो जाता है, तो वहाँ पे फ्लो एकदम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ये सब कुछ ठीक है आपने चेक कर लिया, उसके बाद इनलेट बॉल आप चेक कर लें। ठीक है, इनलेट बॉल जो होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है और पानी, मतलब मशीन रनिंग कंडीशन में, उसके बाद भी वो इनलेट बॉल पानी नहीं ले रहा है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें। वहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर नॉन इन्वर्टर टॉप लोड वॉशिंग मशीन है गोदरेज की, तब वहाँ पे क्या है, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट आएंगे। ठीक है, इनलेट बॉल पे। और अगर इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है तो वहाँ पे 12 वोल्ट पे डीसी पे चलता है। ठीक है, डीसी 12 वोल्ट पे, तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है। अगर वो ठीक है तब तो ठीक है, अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो हो सकता है पीसीबी फॉल्ट हो, प्लस अगर सप्लाई आ रही है तो आपका इनलेट बॉल फॉल्टी है, तो आपको क्या करना है, बस उसको रिप्लेस कर देना। आपकी जो प्रॉब्लम है, पानी वॉशिंग मशीन में नहीं आ रहा है, वो पानी आने लगेगा, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरर कोड है गोदरेज की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, अगर E2 का एरर कोड शो होता है, तो आपको क्या है, वहाँ पे ड्रेन प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या है, पानी ड्रेन नहीं होता है, तब ये दिक्कत आती है। तो आपको वहाँ पे क्या क्या चेकआउट करना है, सबसे पहले आपको क्या चेकआउट करना है, जो ड्रेन मोटर होती है, ड्रेन मोटर का जो जैक होता है उसको आपको देख लेना कि प्रॉपर तरीके से अटैच है नहीं है। जो आप देख रहे हैं पिक में ये ड्रेन मोटर इंचती है तभी उसकी जो ड्रेन कोक होती है वो इंचती है, तभी पानी वहाँ से बाहर होता है। जो रबड़ की सील लगी होती है, वो चाहे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो या फिर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, उन दोनों में ही ये लगी होती है। ठीक है, तो आपको क्या है, उस जैक को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है कि कहीं से वायरिंग तो लूज़ नहीं है, या फिर वहाँ पे सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही है नहीं आ रही है। अगर सप्लाई नहीं आती है वहाँ पे, तो आपको पीसीबी को चेक कर लेना है, प्लस अगर सप्लाई आ रही है या फिर आपकी ड्रेन मोटर ही वर्क नहीं कर रही है, तब आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो ड्रेन कॉक होती है, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे गंदगी हो, इस वजह से पानी आउट नहीं होता हो, तो आपको वहाँ पे देख लेना है कि जो ड्रेन कॉक जहाँ पे अटैच होती है, तो वहाँ पे आप देख लें कि यार वहाँ पे गंदगी तो नहीं, अगर गंदगी होगी तो आप उसको क्लीन कर दें और फिर उसके बाद दोबारा उसको लगा दें, या फिर और जो कॉइन वगैरह फंस जाते हैं उनको आप अच्छे से निकाल दें, और फिर जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसकी मैंने प्रैक्टिकली वीडियो बनाई है कि ड्रेन, जो ड्रेन असेंबली होती है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट एरर कोड है टॉप लोड वॉशिंग मशीन गोदरेज की, अगर उसमें E3 का एरर कोड शो होता है, तो वहाँ पर आपकी डोर स्विच की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर आपका फ्रंट लोड है, तो आप देख रहे हैं जो पिक में डोर स्विच रखा है, यहाँ पे क्या है, आपको सप्लाई चेकआउट कर लेना, या फिर अगर सप्लाई आ रही है तो वहाँ पे डोर स्विच आपका फॉल्टी है। बट अगर टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, ये तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हुई, ठीक है, जिसमें डोर स्विच आप देख रहे हैं ये रखा है, इसमें अगर आपका कार्बन हो जाता है या फिर जैक लूज होता है, तब ये दिक्कत आती है, फिर सप्लाई नहीं आती तब, या फिर वायर कट जाते हैं तभी ये दिक्कत आती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। अगर वहाँ तक सप्लाई आ रही है तो आप डोर स्विच चेंज कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए। अगर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ये एयर कोड आ रहा है E3 डोर स्विच का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो डोर होता है जहाँ मैग्नेट लगा होता है, कुछ वॉशिंग मशीन में, जैसे कुछ जो मॉडल है उसमें क्या है, वहाँ पे बैक साइड डोर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे डोर देते हैं, तो आपको ये डोर दिख रहा है, जो मैंने
डोर लिया एक पिक में, वो आप डोर देखने की कहीं से टूट तो नहीं गया, या फिर उसके थिम्बल तो नहीं निकल गए, या फिर वायर तो नहीं कट गया, या फिर वहाँ पे सप्लाई नहीं आती, तब ये दिक्कत आती है। अगर डोर स्विच जो होता है वो टूट जाता है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, या फिर इसका जो ऊपर का जो ढक्कन होता है जो हम डोर ओपन करते हैं ऑन ऑफ करते हैं, वहाँ पे ये दिक्कत आती है, तो आपको इसको चेक कर लेना है और सप्लाई भी चेक कर लेना है, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेना, आपकी जो E3 की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। प्लस कुछ मॉडल ऐसे हैं जैसे कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में गोदरेज की, वहाँ पे क्या है एरोकोट सो नहीं होता है, वहाँ पे लाइट बिलिंग करती है, तब भी ये दिक्कत आती है डोर स्विच की, ठीक है, तो आप इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है चार बटन होंगे, वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट एक साथ बिलिंग करेगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये आप इससे मतलब एरोकोट तो डिस्प्ले सो नहीं होता है, बट इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ पे जो है डोर स्विच की फॉल्टी है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ये दिक्कत आती है, ठीक। गोदरेज टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर E4 का एरोकोट सो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन है वहाँ पे अनबैलेंस होगा, ठीक है, अनबैलेंस होगा। अगर मशीन आपकी जैसे कि फर्श पे रखी है तो वहाँ पे क्या लेवल होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं होता कहीं ऊंचा हो कहीं पे नीचा हो, तो यहाँ पे क्या वॉशिंग मशीन अनबैलेंस हो जाएगी, इस वजह से वहाँ पे एरोकोट E4 का सो होगा। या फिर आपने ऐसा किया है कि कपड़े बहुत ज़्यादा डाल दिए तो एक साइड हैं, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आती है, तो आपको क्या करना है ये सारी चीज़ चेक कर लेना है। प्लस उसकी जो लैगें होती हैं, चार लैगों पे ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन का ड्रम रुका होता है, अगर लैगें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, लैगें जैसे कि ओल्ड मॉडल हो जाता है काफ़ी टाइम मतलब पुरानी हो जाए, मशीन पुरानी हो जाती है जैसे 10-15 साल पुरानी हो गई, ठीक है, या फिर 20 साल पुरानी हुई, तो वहाँ पे क्या है जो लैगें होती हैं पानी पड़ के और सर्फ वगैरह गिर जाता है तो वहाँ से गल जाते हैं स्प्रिंग, ठीक है, तो इनको देख लेना, आपको लैगों को चेंज कर देना है, ठीक है, आपकी जो E4 की प्रॉब्लम हो रही है डिस्प्ले पर आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरोकोड है गोदरेज टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर E5 का एरोकोड सो होता है तो वहाँ पे क्या होता है चाइल्ड लॉक मतलब मिस्टेक से लग जाता है चाइल्ड लॉक, तो वहाँ पे क्या बटन सारे काम नहीं करते, तो वहाँ पे E5 का एरोकोड सो होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैनुअली आप कर सकते हैं, या फिर कोई बच्चा प्रेस कर दे प्रोग्राम प्लस चाइल्ड लॉक का बटन प्रेस कर दे 3 सेकंड तो ये लॉक लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एरोकोड सो होता है E5, तो वहाँ पे क्या होता है बटन कोई काम नहीं करता है, PCB मतलब कोई काम नहीं करती है, तो वहाँ पे लॉक लग जाता है, तो आपको क्या करना है बस प्रोग्राम और चाइल्ड लॉक जो होता है उस बटन को 3 सेकंड प्रेस करना है, आपका अनलॉक हो जाएगा, फिर जो E5 का एरोकोड है वो रिमूव हो जाएगा, तो बस आपको जो लॉक होता है लॉक को हटा देना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरोकोड है गोदरेज टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर ई का एरोकोड सो होता है तो वहाँ पे क्या होता है सबसे पहले आपको प्रेशर स्विच को मतलब चेक कर लेना है, ठीक है, प्रेशर स्विच जो होता है अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पे क्या है अगर वाटर लेवल को सेंस नहीं कर रहा है तब ये दिक्कत आती है, और कभी कभी ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन आ जाता है, जब कार्बन होता है तो वहाँ पे मतलब जो जैक लगा होता है जो उसका कनेक्टर लगा होता है प्रेशर स्विच से अटैच होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कार्बन को साफ़ कर देना, अच्छे से क्लीन कर देना, उसके बाद दोबारा लगाना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आपको क्या करना है अगर PCB है, PCB सप्लाई ऑड कर रही है या नहीं कर रही है, ये चाहे इन्वेटर मॉडल वॉशिंग मशीन हो या फिर नॉन इन्वेटर वॉशिंग मशीन हो, वहाँ पे क्या है जो प्रेशर स्विच हमारा वर्क करता है वो DC 5 वोल्ट पे करता है, ठीक है, तो आपको एक बीच पे नोप रखना है और एक राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, वहाँ पे वोल्ट आएंगे 2.5 DC वोल्ट आएंगे, ठीक, आपको DC वोल्ट पे मीटर को सेट करना है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक आउट करना है, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है सबसे पहले प्रेशर स्विच चेंज मतलब चेक कर लेना है, ठीक है, प्रेशर स्विच जो होता है वाटर लेवल सेंस नहीं करता तब भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी वाटर लेवल सेंस नहीं करता तो ये पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है, तो वहाँ पे ई एरोकोड सो होगा, ठीक है, अगर डिस्प्ले जो PCB है वहाँ पे सप्लाई आउट नहीं कर रही तब भी ई एरोकोड सो होगा, अगर कार्बन बहुत ज़्यादा है तब भी ई एरोकोड सो होता है, तो आपको क्या है ये सारी चीज़ चेक कर लेना है। प्लस आपको एक चीज़ का और नोट कर लेना है कि वहाँ पे जो ड्रम से अटैच पाइप होता है पाइप निकल जाता है या पाइप फट जाता है तब भी ये एरोकोड सो होगा, तो स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ चेक कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बस ये जो PCB है PCB में मतलब देख लेना है, मोस्टली अगर ई एरोकोड सो होता है ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन में तो वहाँ पे मोस्टली जो फॉल्ट होता है वो PCB में होता है, प्रेशर स्विच में बहुत कम चांसेस होते हैं अभी तक, मगर फिर आपको सारी चीज़ें चेक कर लेना है कि वहाँ पे फॉल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।